हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रूड ऑयल का लास्ट वीक में कैसा क्या मोमेंटम था और नेक्स्ट वीक के लिए कैसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं, जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेडिंग मूव देखने को मिल सकती है, जिसको अपन डेली टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में एनालिसिस और उसके बाद 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मंडे के लिए, इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड करेंगे और लास्ट में अपन ऑप्शन चेन और पीसीआर रेशियो के एनालिसिस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, क्रूड ऑयल के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में और यहाँ पे जो अपन को फ्राइडे के दिन की कैंडल देखने वाली है, वो एक हमें ऊपर से रिजेक्शन कैंडल बनती हुई देखने मिली, या फिर बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर टाइप की भी कैंडल देखने को मिल रही है, जिसका वॉल्यूम हमें पिछले कुछ कैंडल से हाई देखने को मिल रहा है। और जो अपन ने पिछले वीक के वीडियो में डिस्कस किया था कि ये वाला इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल है, जो कि है 7300 के आसपास का लेवल, इसके ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग होगी तभी एक हमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगा। और लास्ट वीक में हमें फ्राइडे के दिन इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ क्लोजिंग देखने को मिला, उसके साथ एक बड़े वॉल्यूम के साथ हमें ये वाली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो अब जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ पे अपन को देखने को मिला कि वॉल्यूम अपन को यहाँ इस कैंडल पे ज़्यादा देखने को मिला है, जिसके अपन ये कर सकते हैं कि इस 7300 के लेवल पे हमें सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ से एक हमें नीचे की तरफ का मोमेंटम देखने को मिला है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है, बियरिश मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगा जब ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होगा, जो कि है 7057 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट लेवल इसीलिए क्योंकि यहाँ से जब अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला था, उसके बाद इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की मोमेंटम कंटिन्यूएशन में करते हुए देखने को मिलता, पर ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला था। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे जितने भी इस लेवल पे बायर्स आए होंगे उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होगा, और जैसे इस लेवल के नीचे हमें डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद एक हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग रैली डाउन साइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधा सपोर्ट अपन को ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, जो कि है 6723 का लेवल। अपसाइड की मोमेंटम की बात करें तो जब तक ये वाला हाई के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं देखने मिलेगी, जो कि अराउंड 7322 का लेवल, तभी एक हमें बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगी, जिसमें कि फिर सीधे टारगेट ये वाले स्विंग्स तक का देखने को मिल सकता है, जो कि है 7500 का साइकोलॉजिकल लेवल या फिर 7528 के लेवल के आसपास का। और जब तक इस रेंज में मोमेंटम करेगा, यहाँ पे अपन को ऐसा थोड़ा साइडवेज या फिर बोल सकते हैं वॉलेटाइल मोमेंटम क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो ये था क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस, अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंटम और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और वहां डिस्कस करेंगे मंडे के लिए, इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए क्रूड ऑयल के 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपसाइड की मोमेंटम अपन को कहां देखने को मिल सकती है। अपसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करे, जो कि अराउंड 7322 का लेवल, तभी हमें इसके ऊपर एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस लेवल से हमें बहुत अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलती है विद हाई वॉल्यूम। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक हमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि और ऊपर के टारगेट्स के लिए पहले मैं चार्ट को थोड़ा पीछे कर लेता हूं, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अपन को बहुत दिन बाद सस्टेन होते हुए देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल। तो दोस्तों, जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 7400 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 7474 का देखने को मिल सकता है। और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला स्विंग लेवल, जो कि है 7528 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि है 7630 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में। अगर 7322 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है क्रूड ऑयल, तो अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मोमेंटम अपन को कहां देखने को मिलेगी। डाउन साइड का मोमेंट अपन को तभी देखने को मिलेगा जब इस लेवल के नीचे सस्टेन करे, जो कि है 7172 का लेवल। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 7134 का देखने को मिल सकता है, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 7086 के आसपास का। और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि है 7056 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 7000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में। अगर 7172 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है क्रूड ऑयल, तो अगर क्रूड ऑयल इस रेंज में मोमेंटम करे, जो कि है ये वाली रेंज, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डिके भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले। और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि है 7322 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 7172 का लेवल ब्रेकडाउन करे, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे क्रूड ऑयल। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से एक अपन को यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिली है। अगर अपन इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें और ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो एक अपन को बहुत अच्छी सपोर्ट की तरह काम करती हुई देखने को मिली है ये वाली ट्रेंड लाइन। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करें क्रूड ऑयल, साथ साथ 7172 का लेवल भी ब्रेकडाउन हो, तो एक हमें डाउन साइड में बहुत अच्छी मोमेंटम ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। अब चलिए चलते हैं MCX की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां देखेंगे कि ऑप्शन चेन और पीसीआर रेशियो के अकॉर्डिंग अपन को कैसा क्या
सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो दोस्तों अपन आगे MCX की ऑफिशियल वेबसाइट में और यहाँ पे अपन ऑप्शन चेन क्रूड ऑयल की पहले सेलेक्ट करेंगे और नियरेस्ट एक्सपायरी जो कि है 17 अप्रैल उसी को अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन को अगर स्क्रॉल डाउन करके अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि जो 7200 का स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट 7635 देखने को मिल रहा है, पर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर 7100 के अपन अगर स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो वहाँ पे अराउंड 9500 ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें कि चेंज हमें अराउंड 11057 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से 7200 और 7300 दोनों में अपन को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है कि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो वीक हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, और इसी तरह एक हमें 7100 एक बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और 7000 का जो साइकोलॉजिकल है वहाँ पे तो एक हमें बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अपन को ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपन को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब ऊपर की तरफ से जो कॉल सेलर्स होंगे वो अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे होंगे, जिसके कारण एक हमें शॉर्ट कवरिंग रैली नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकती है। अब चलिए देखते हैं PCR रेशियो क्या अपन को इंडिकेट कर रहा है। तो अपन आ गए PCR रेशियो, और यहाँ पे अगर अपन क्रूड ऑयल का PCR रेशियो सेलेक्ट करेंगे तो वो भी हमें एक 1.25 मतलब कि न्यूट्रल या फिर बोल सकते हैं बुलिश जोन के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ऑप्शन चेन और PCR रेशियो के कंबाइंड अगर अपन करें तो यहाँ पे अपन को ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस में अपन को OI देखने को मिला है वो नेगेटिव में ओपन इंटरेस्ट अपन को जाते हुए देखने को मिले, जिसका मतलब है वो लोग अपनी पोजीशन कवर करते हुए देखने को मिले लास्ट वीक में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहां हम इंट्राडे के लिए लेवल्स टेलीग्राम और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।